नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज लाइन। चूंकि बिहार में लगातार अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं और चुनावी रणनीति भी बनना शुरू हो गई है, हालांकि राजनीतिक पार्टियां तमाम है और अभी एक नई पार्टी की बहुत जल्द घोषणा होने वाली है और इसमें बिहार की राजनीति किस दिशा में मोड़ लेती है इसको हम देखेंगे। और हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है बिग न्यूज नाइन। बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगता है पार्टी का जो गठन करने का प्रोग्राम बन रहा है, ये इसमें कितना आपको लगता है कि बिहार में ये क्या बदलाव लाएगी? देखिए, बिहार में 15 साल लालू जी की सरकार और 16वां साल नीतीश कुमार की सरकार से बिल्कुल आम जनता त्रस्त हो गई है, ऊब चुकी है, परेशान हो गई है और ये पब्लिक डिमांड है कि बिहार में एक नई पार्टी ऐसी बनाई जाए जो लालू नीतीश और बीजेपी का विकल्प बने। और उसी पर्पस से ये पहली पार्टी बन रही है 30 सितंबर को, उसके लिए झारखंड में 10 दिन लगातार हम कैंपिंग किया और 20 दिन लगातार बिहार के एक एक जिला प्रखंडों का दौरा करके रात में हम आए हैं, तब आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो पार्टी बनाने के पहले आज तक कोई पॉलिटिकल बिहार के पैमाने पर, झारखंड के पैमाने पर कोई नेता नहीं घुमा है। हम आम जन जन को बुला करके और पार्टी का हम घोषणा करेंगे। यह पार्टी अमर शहीद जगदेव प्रसाद के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का ये पार्टी बनेगी, उनका जो नीति सिद्धांत था उसके आधार पर ये पार्टी बनेगी। इसमें हमारा मानना है स्पष्ट कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना, चूंकि सारा पावर सीएम में है और हमारा तीसरे नंबर का जो कोयरी समाज है उसे मुख्यमंत्री नहीं बना। एक जो कोयरी समाज के एक नेता जो नीतीश कुमार का तलवा सहलाने के लिए चले गए हैं, उनको भी हम बिहार के कुछ कोयरी समाज हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उसने समाज को बेच बाज करके और नीतीश कुमार के गोद में चले गए। ऐसी स्थिति में पूरे बिहार का जो कोयरी समाज है उस नीतीश कुमार और उस नेता के प्रति आक्रोशित है और हमारे प्रति सब लोग का अट्रैक्शन है। और हमने कहा है कि भाई जहां बिहार में कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनेगा वहीं झारखंड में मुसलमान समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि झारखंड में 25% मुसलमान है और कोयरी समाज सब समाज को लेकर चलेंगे। बिहार में 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान से जो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड कौम रहा है, लालू और नीतीश और कांग्रेस ने शोषण करने का काम किया। लालू यादव को 30 वर्षों से लगातार मुसलमान वोट देते रहा लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि शहाबुद्दीन ऐसे लोग कभी मरवाने का प्लानिंग किया, कभी कुछ हुआ जो बिहार की आम जनता जानती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा पूरा का पूरा विश्वास है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसा मैंने कहा कि सीएम अगर कुशवाहा से होगा तो डिप्टी सीएम एक मुसलमान, एक दलित, एक अति पिछड़ा, एक सवर्ण और एक यादव समाज से होगा, ताकि एक सभी समाज के लोग को एहसास हो कि नागमणि सभी समाज को लेके चल रहा है। एक सवाल ये भी है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कुशवाहा जाति को हम सर्वोपरि रखेंगे, इस पार्टी में एक जगह रहेगी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नीतीश कुमार अपना एक अलग ही लेवल बना रहे हैं, अलग राजनीति सेट कर, आपको क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के अलावा कुशवाहा समुदाय एक बार नागमणि कुशवाहा के साथ जुड़ेगी? भैया, पूरे बिहार के कुशवाहा समाज को भूख है मुख्यमंत्री का। भूख क्यों है? चूंकि मैंने कहा कि जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है वही समाज आगे बढ़ा है, इसलिए जब कोयरी समाज से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे कहाँ सवाल है कि एक वोट बाएं से दाएं हो जाएगा। और 5 डिप्टी सीएम बना रहे हैं, आज तक कोई मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया, दलित को बनाया, अति पिछड़ा को बनाया, सवर्ण को बनाया, 40-50 साल से सवर्ण भी नहीं बना,
कभी मुख्यमंत्री बने थे, डिप्टी सीएम तो नहीं बना, तो इसलिए सभी समाज के लोगों में अट्रैक्शन रहेगा कि नहीं नागमणि सभी पार्टी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चल रहे हैं।